वेलकम टू एस टी एजुकेटेड क्लासेस। तो हम अब बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सम प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज देयरफॉर हिटेरियोट्रोफी। वन सच प्लांट इज कस्कटा। तो सब जो सम प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड स्वयं नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि दे डोंट नॉट उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं अदर प्लांट्स पे। जो उनका मोड होता है न्यूट्रिशन का वो होता है हिटेरियोट्रोफी। ठीक है, हिटेरियोट्रोफी हमने ऊपर बात की थी कौन से होते हैं, जो अदर्स पे डिपेंड करते हैं, और जो स्वयं फूड बनाते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। वह इनमें से एक प्लांट है कसकटा, जिसे हम अमरबेल या डोडर भी बोलते हैं। इट इज द पिक्चर ऑफ कसकटा या डोडर। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व एज ए येलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विदाउट लीव्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, येलोइस होता है और थ्रेड की तरह होता है, जैसे धागा होता है ना उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसकी कोई भी लीव्स नहीं होती और ये प्लांट्स के ऊपर खुद ग्रो कर जाता है। ठीक है, कसकटा इज ए पैरासाइट सिंस इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉजेज हार्म टू दैट ऑर्गेनिजम्स। कसकटा एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो अदर्स पर जीवित रहते हैं, परजीवी जिन्हें हम बोलते हैं, क्योंकि ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेता है और हार्म को उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट ग्रोज इज नोन एज द होस्ट। और जिस प्लांट पे ये ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। हैव यू हर्ड ऑफ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। देर आर प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप द इंसेक्ट। कुछ जो होते हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा। ये प्लांट्स किस पे कैसे होते हैं, दीज आर प्लांट दैट फीड ऑन इंसेक्ट, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने। अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स के लिए किसको खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स गेट मॉडिफाइड टू ट्रैप्स इंसेक्ट्स। तो कुछ ऐसे इस तरह से ये मॉडिफाइड होते हैं कि ये इंसेक्ट को ना अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, यानी कि उसके अंदर ट्रैप हो जाता है ये। जैसे कि पीचर प्लांट की आपको पिक्चर दी हुई है, इसमें फंस जाता है और फिर ये उसको जो है गेट कर लेते हैं अपने नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए, फीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीफ ऑफ द पीचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पीचर विद ए लीड। तो इस तरह से एक पिक्चर आपको दी हुई है, इसमें क्या होता है कि जो लीफ होता है पीचर प्लांट्स का वो इस तरह से हो जाता है कि एक पीचर की तरह लगता है और उसके ऊपर एक लीड भी होता है। द लीड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। जो लीड होता है वो खुल जाता है और बंद हो जाता है माउथ, पीचर के माउथ को बंद कर लेता है। द पीचर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर। जो पीचर के होते हैं क्या होते हैं, नीचे की तरफ क्या होते हैं, पॉइंटिंग हेयर्स होती हैं। ठीक है, व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स इट कैन नॉट क्लाइंब बैक आउट अगेंस्ट द हेयर्स एंड अल्टीमेटली फॉल टू द बॉटम ऑफ द लीफ। जब कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि ये ओपन हो जाता है, ठीक है, तो इंसेक्ट इसके अंदर एंटर कर जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और वो बैक क्लाइम बैक दोबारा से वापिस नहीं चढ़ पाता है अगेंस्ट द हेयर्स, हेयर्स के ऊपर। ठीक है, अल्टीमेटली फॉल्स टू द बॉटम ऑफ द लीफ। और इस तरह से जो बॉटम होती है लीफ की उसके अंदर वो फंस जाता है एंड गेट डाइजेस्टेड बाय द जूसेस प्रेजेंट द एयर। और उसके अंदर जो जूस होते हैं वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है उस प्लांट के द्वारा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। इंसेक्टिवर्स प्लांट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। हमने पहले बात करी थी कौन कौन से थे, सेप्रोट्रोफिक के बारे में हम बात करते हैं। सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोस मीन्स रोटन एंड ट्रोफिक मीन्स फूड। सेप्रोस का मीनिंग क्या होता है इसमें, रोटन, और ट्रोफिक का फूड होता है, जैसे हमने पहले बात करी थी न्यूट्रिशन या फूड। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इसमें क्या होता है कि जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड और डिकेइंग मैटर पर, मतलब गले सड़े सामान पे या डेड चीज़ों पे। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल्स और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो फूड होता है वो डाइजेस्ट किया जाता है सेल्स के
बाहर और समटाइम्स इवन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो बॉडी के बॉडी और बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की उसके आउटसाइड। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूसेस डायरेक्टली ऑन टू द फूड। दीज डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सोल्यूएबल, द ऑर्गेनिज्म देन डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब्स इट। तो क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव जूस निकलता है डायरेक्टली ऑन टू द फूड में। ठीक है, क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो फूड की तरह ग्रहण करती हैं। जो ये डाइजेस्टिव जूस होता है वो फूड को क्या बनाता है, सोल्यूएबल बनाता है, और इससे इसको ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेती हैं। सम ऑर्गेनिज्म विच हैव सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर रिजोपस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, वो कौन से हैं, रिजोपस ब्रेड माउल्ड पे होता है, ये म्यूकर पिन माउल्ड पे होता है, यीस्ट एगेरिकस मशरूम पे होता है, एंड मैनी बैक्टीरिया, और भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद डू यू नो में दिया हुआ है आपको, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ए वाइट कॉटनी ग्रोथ ऑन लेदर आर्टिकल्स इन ह्यूमिड वेदर। जब ह्यूमिड वेदर होता है तो आपने कभी कभी नोट किया होगा कि जो लेदर होती है, लेदर के आर्टिकल्स बने होते हैं, उन पे वाइट वाइट कॉटन की तरह कुछ ग्रो कर जाता है। मशरूम्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड, मशरूम किस रोटिंग वुड पे ग्रो करती है। ठीक है, किस पे ग्रो करती है, रोटिंग वुड पे, एंड ग्रीनिश ब्लू पैचेस ऑन रोटिंग फ्रूट्स। और ग्रीनिश ब्लू पैचेस आपने देखे होंगे कभी कभी एप्पल पे भी हो जाते हैं, फ्रूट्स पे रोट होते हैं। ठीक है, एक कॉटनी ग्रोथ डेवलपिंग इनटू कलर्ड पैचेस, और जो कॉटनी ग्रोथ होती है वो कलर्ड पैचेस में ग्रो डेवलप हो जाती है, इज ए कॉमन अकरेंस ऑन स्टेल ब्रेड, जो कि बासी जो हमारी स्टेल जो ब्रेड होती है उस पर आपने कभी कभी इसको नोट किया हुआ होगा। दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया एंड दे एग्जिबिट द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये क्या होते हैं, ये फंगी और बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं और ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, उसको शो करते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सा होता है जो डेड और डिकेइंग जो चीज़ें गली सड़ी होती हैं ना, जो मतलब बेकार हो जाती हैं, स्टेल हो जाती हैं, उन पे ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रोसेस ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, ये उस टाइप का फूड होता है। समटाइम टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ। अब ये हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो समटाइम्स कुछ समय क्या होता है, टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, और एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जो बेनिफिशियल होता है दोनों के लिए। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और इसको क्या बोलते हैं हम, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इन ग्रीक सिम्बियन मीन्स टू लिव टुगेदर, जो सिम्बियन वर्ड से निकला है ये ग्रीक के सिम्बायोटिक, और इसका मतलब क्या होता है, टू लिव टुगेदर। ठीक है, एक साथ रहना, यानी कि वो एक दूसरे के साथ डिपेंड हो जाते हैं। सम एल्गी एंड फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज, कुछ एल्गी और फंगी जो होती हैं वो रूट्स में रहती हैं ट्री की। दे रिसीव शेल्टर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द ट्री, और वे रिसीव शेल्टर और न्यूट्रिशन कहाँ से रिसीव करती हैं, ट्री से, जिसकी रूट्स में रहती हैं। इन रिटर्न दे हेल्प द ट्रीज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स मोर एफिशियंटली, और बदले में क्या करते हैं कि वो हेल्प करते हैं ट्रीज की वाटर को ऑब्जर्व करने में और मिनरल्स को ऑब्जर्व करने में वो अच्छी तरह से। लीचन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एन एल्गा, तो लीचन होता है एक, उसकी पार्टनरशिप किसके साथ होती है, फंगस और एल्गा के साथ। द फंगस ऑब्जर्व वाटर, फंगस ऑब्जर्व करता है वाटर्स को एंड प्रोवाइड शेल्टर, और सेल्टर प्रोवाइड करता है। द एल्गा प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जो एल्गा होती है वो फूड तैयार करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। ये आपको पिक्चर दी हुई है लीचन्स ग्रोइंग ऑन रॉक, जो रॉक के ऊपर होती है लीचन्स। ठीक है, ये आपको इसमें पिक्चर दी हुई है बुक में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिजोबियम। रिजोबियम इज ए बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगमेनियस प्लांट्स। रिजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कहाँ पे रहता है, रूट्स ऑफ लेगमेनियस प्लांट्स की।
फ्रूट्स में रहता है. इट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर इन टू ए यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज बाय द प्लांट्स. ये कन्वर्ट किसको करता है? नाइट्रोजन को. एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में, जो कि प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज की जाती है. द प्लांट्स इन रिटर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम. और इसके बदले में जो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, ठीक है, रिजोबियम को. तो ये लेगमेनियस प्लांट आपको शो किया गया है, रूट नोडल्स, ठीक है. ये है लेगमेनियस प्लांट की रूट, ये आपको पिक्चर में शो की गई है. उसके बाद है आपको हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रेप्लिनिश्ड इन द सोइल. तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रेप्लिनिश कैसे हो जाते हैं सोइल में, इसके बारे में बात की गई है. प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल एज दे ग्रो. प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे रिमूव करते हैं न्यूट्रिशन को सोइल से, जैसे जैसे वो उगते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स सोइल से लेते रहते हैं. दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द सोइल सो दैट द सोइल रिमेन्स प्रोडक्टिव. तो जो ये न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स के द्वारा सोइल से लिए जाते हैं, तो ये उनको वापस भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है ताकि जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है वो बनी रहे, ठीक है. फार्मर्स यूजली एनरीच द सोयल बाई एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. जो फार्मर होते हैं वो कैसे एनरीच करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, मैन्योर्स खाद और फर्टिलाइजर्स को, मैन्योर्स खाद को और फर्टिलाइजर को उसमें ऐड करते हैं सोयल में, ताकि उसकी एनरीचमेंट, ताकि वो उपजाऊ बनी रहे, ठीक है. दीज आर मटीरियल्स दैट कंटेन वन और मोर ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स नीड. और इनमें क्या होते हैं, जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स में होते हैं, इनमें बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की जिनको जरूरत होती है अपनी ग्रोइंग के लिए, ठीक है. इन ए फॉरेस्ट वेयर नो वन गोज टू ऐड फर्टिलाइजर द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड लीव्स एंड अदर प्लांट एंड एनिमल्स मैटर एंड विच इज द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि आपको पता है कि खेत में तो जो फार्मर होता है वो खाद और फर्टिलाइजर वगैरह डालता रहता है, परंतु जब जहाँ भी फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर कौन फर्टिलाइजर डालेगा, तो वहाँ पे कोई वेयर नो वन गोज टू, जहाँ पे कोई फर्टिलाइजर ऐड करने नहीं जाता है, तो वहाँ पे कैसे एनरिचमेंट मिलती है सोइल को, तो डेड लीव्स जो होती हैं, गले सड़े जो पत्ते होते हैं और अदर प्लांट और एनिमल होते हैं, वो उस जो है उसमें मिक्स हो जाते हैं सोइल में और उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, और उससे वो जो है अपनी एनरिचमेंट को कायम रखती है सोइल, ठीक है. तो जब वो मिक्स हो जाती हैं तो उनके अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, तो डेड और डिकेइंग लीव्स और प्लांट और एनिमल के रूप में उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है. एज वी डिस्कस जस्ट अबोव बैक्टीरियम लाइक रिजोबियम आल्सो हेल्प इन मेकिंग द सोइल रिच इन नाइट्रोजन. जैसे कि हमने ऊपर हमें अभी ऊपर बात करी थी कि जो बैक्टीरिया होता है रिजोबियम, वो सोइल की एनरिचमेंट बढ़ाने में हेल्प करता है, किससे, नाइट्रोजन को गेट करके, ठीक है. नाइट्रोजन को क्या करता है वो, रिजोबियम के बारे में हमने बात करी थी ऊपर, कि वो नाइट्रोजन को एटमोसफियर से लेता है और इसे यूजेबल फॉर्म में बना देता है, यूजेबल फॉर्म में बनाता है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकें. तो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में डेवलप कर देता है, कौन कर देता है, रिजोबियम बैक्टीरिया. अब बात कर लेते हैं, ये सोयल आपको दी गई ही है, इसमें आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया गया है. इसमें सोयल है, इधर बैक्टीरिया लाइक रिजोबियम, मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो इससे क्या हो जाती है, हमारी सोयल फर्टिलाइज हो जाती है, ठीक है, तो एनरिच हो जाती है, वो दोबारा से उपजाऊ हो जाती है. तो यहाँ पे हमारा ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है. तो इसमें हमने बात करी थी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में डिटेल में हमने जाना, सेप्रोट्रॉफिक कौन सा होता है, ठीक है, और ऑटोट्रॉफिक कौन सा होता है, हीटेरियोट्रॉफिक कौन सा होता है, इन सब के बारे में हमने जाना. तो ये हमारा फुल चैप्टर कंप्लीट हो गया. थैंक यू.